आज के डेट में ना लोग बच्चे लड़ा रहे हैं, राइट, कि वो तिवारी जी का बच्चा ये कर लिया, वो शर्मा जी का बच्चा वो कर लिया, तो तुमको तो हर चीज में ब्लेम करना है बेसिकली। बट जब अपने मन की शादी करनी होगी तो उसमें तुम अड़ जाओगे, जब आईफोन खरीदना होगा तो उसमें अड़ जाओगे, नहीं मुझे आईफोन खरीदना ही खरीद। हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल टुडे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इंडिया एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और इंडिया एजुकेशन सिस्टम में ना कोई एजुकेशन है और ना कोई सिस्टम है, और इसको मैं डिकोड भी करूंगा, क्यों प्रूव भी करूंगा, हालांकि ये मेरे दिमाग की उपज हो सकती है, बट प्लीज आपका भी इसमें कमेंट और आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज गिव मी द फीडबैक थ्रू कमेंट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो चलिए शुरू करते। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, द गवर्नमेंट, स्कूल कॉलेजेस, पेरेंट्स और स्टूडेंट। यही चार को मैं डिकोड भी करने वाला हूं कि हम सबके पास लैंडलाइन फोन हुआ करते थे 20 साल पहले, और उस समय ना डायल करना पड़ता था बहुत कुछ, राइट, और उतनी भी आवाज की वो क्लैरिटी होती नहीं थी। बट आज 20 साल बाद या 25 साल बाद जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि एवरीबॉडी इज हैविंग अ स्मार्टफोन राइट नाउ, राइट। बहुत सारे आप लोग अगर वीडियो देख भी रहे हैं इससे, इस स्मार्टफोन के थ्रू ही देख रहे हैं मैक्सिमम, मे बी द डेस्कटॉप एज वेल द कंट्रीब्यूशन है, बट स्मार्टफोन का इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूट्यूब वीडियो में। सो मेरे कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है ये आप देख सकते हैं। क्या हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा है, वो अपडेट हुआ है उस हिसाब से? तो डेफिनेटली नो। लॉर्ड मैकॉले, नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाया था बेसिकली। सो अपनी हरी झंडी दी थी, जो भी है हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, उनको बेसिकली वर्कर चाहिए थे, उनको नीचे वाले वर्कर चाहिए थे बेसिकली, क्योंकि वो अपना टाइम पर आए, टाइम से काम करे जाए, वो जो भी है। तो उन लोगों की अपनी मीटिंग हुई कि भैया ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर वाले स्मार्ट बंदे नहीं चाहिए थे, ऊपर का जो हायरार्की था वो सब नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो खुद ही थे, मतलब वो इंडियन को बैठाना नहीं चाहते थे, तो वो उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं था। नीचे के जो वर्कर एम्प्लॉई जो तबका है वो प्रॉब्लम था, व्हाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जो भी आप एम्प्लॉई इनको बोल दें। तो फिर लॉर्ड मैकॉले को जिम्मेदारी दी गई कि आप इस तरह की एजुकेशन सिस्टम यहाँ आप बनाएं ताकि हम लोग उस तरह के स्किल्ड वर्कर उसको तैयार कर सकें। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से बनाया, स्कूल में बच्चे जाएं तो ओबीडियंट हों, घंटी लगे तो घंटी के साथ साथ वो अपना काम स्टार्ट करें, फिर घंटी लगे तो घंटी के साथ साथ अपना वो घर वापस जाएं या कैसे भी जाए, लंच ब्रेक है जो भी है। सेम चीज़ फैक्ट्री में लागू हुई कि वो आप नीचे रहेंगे, फिर आपके ऊपर ये मैनेजर रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, जो भी है वट एवर, और आपको बात माननी पड़ेगी, अपनी एक पॉलिसी होगी जो इस फैक्ट्री की होगी, क्योंकि उस समय तो फैक्ट्रीज वगैरह ही ज़्यादा थे। तो आप मतलब आप बेसिकली आपको दब्बू बन के रहना है, आप अपना काम करेंगे, तो आप अपना काम करें, अपना चुपचाप घर वापस जाएं और ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं। तो इन शॉर्ट स्पैन में ना मैंने आपको ये सब सारी बातें बताई लॉर्ड मैकॉले के बारे में। सो वो उस समय तक सही था, आज के भी जमाने में हम लोग यही पढ़ रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि मैं आज भी इंडिया में पढ़ाया जाता है कि यहां पर ना 4 सीजन ही होते हैं, बट बेसिकली ऐसा है ही नहीं, इंडिया में 6 सीजन होते हैं। अगर बच्चा वो 6 सीजन लिख दे ना तो उसको ना 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। और दूसरी बात कि नहीं, बच्चे को मार्क्स के पीछे इतना भगाया जा रहा है ना कि आप भागो, मार्क्स के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे भागो। अरे भैया तुम 12th में 10th में इतना मार्क्स लाकर करोगे क्या, क्या कर पाओगे? वो ये सब 10-20 साल पहले, 30 साल पहले तक ये चलता था, आज के डेट में ये सारी चीजें फेल हो चुकी हैं। ये एसोचैम की जो स्टडी बता रही है, अब अगर इतने ही स्कूल कॉलेजेज अच्छे हैं इंडिया में, तो ये एसोचैम की जो स्टडी आई है अभी, इनका जो रिसर्च हुआ है, इन्होंने क्यों बोला कि 93% स्टूडेंट्स, 93% जो भी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं स्कूल कॉलेजेस से, वो दे आर नॉट क्वालिफाइड टू गेट अ गुड जॉब। तो नंबर वन पे हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्या है कि इन्होंने कभी सिलेबस ही चेंज नहीं किया। आप लोगों में से कितने लोगों को ये काम आया है, A+B का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम,
इंटीग्रल कैलकुलस, परमुटेशन कम्बिनेशन, ये सब सारा बेसिकली ये तो आज का जो डिमांड है ही नहीं बेसिकली। जो भी कंपनीज को चाहिए डेटा एनालिटिक्स या कुछ भी चाहिए, ये बेसिकली कुछ भी डिमांड नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री एज वेल। आप हड़प्पा सभ्यता और क्या क्या संस्कृति आप पढ़ाते रहते हो, गजनवी ने ये किया, मोहम्मद ने ये किया, अशोक ने ये किया, अरे भैया ये तो गूगल पे ऑलरेडी मिल जाएगा ना, इसकी क्या जरूरत है आज के डेट में। कुछ तो आप ऐसा मतलब सिखाने की कोशिश करो ना कि जिससे उसको काम आए, पैसा कैसे कमाए, क्रेडिट कार्ड ले या ना ले, कर्ज में डूबे या ना डूबे, डेफिनेटली कर्ज में ना डूबे, कर्ज में ना डूबने के क्या उपाय हैं, वो किस किस तरह के अपने स्किल बनाए ताकि अपने पर ही आत्मनिर्भर हो सके। अब तो ये जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, ये रट्टा मारकर आप एग्जाम तो पास कर लेते हो, एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाते हो, नो डाउट अबाउट दैट। फिर उसके बाद हिस्ट्री भी आप रट्टा मार लेते हो, अच्छे अच्छे नंबर लाकर फिर आप जाते हो। बट जब आप फाइनली इंटरव्यू के लिए जाते हो, फाइनली जब आप को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए बेसिकली, तो वहां पर तो आप टाइट ऑफिस हो जाते हो, और डेफिनेटली टाइट ऑफिस हो जाते हो, क्योंकि वहां पर कंपनी जो है ना उनको ये सब चाहिए ही नहीं। उनको ये चाहिए कि उनका जो KRA है ना वो क्या है, और वो उससे वो क्या फायदा है, और वो क्या वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बेसिकली टीचर की। टीचर आप सब लोग जानते हैं कि आज के डेट में ना टीचर कोई बनना नहीं चाहता है, मजबूरी में बनना चाहता है टीचर, क्योंकि आज के डेट में टीचर की कोई इज्जत रही नहीं है, जो मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक समझा है। क्योंकि गवर्नमेंट भी इन लोगों को ना मैंने इन पर ध्यान ज्यादा दे नहीं रही है। सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, गवर्नमेंट में जो टीचर हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड। है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो आरक्षण पद्धति है, जो भी है, मतलब वो ज्यादा ध्यान ना देना स्कूल में कैसे भी है, चलो ठीक है, सरकारी स्कूल को तो उन लोगों ने मान ही लिया है कि मतलब इसमें ना बच्चों का विकास उसमें हो नहीं पाएगा। और मैक्सिमम टीचर्स का आपने ये भी न्यूज में देखा होगा कि उसको मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही कम नंबर आए, इवन मैथ में बहुत कम नंबर आए, और फिर भी उसको गणित का टीचर बना दिया गया, मतलब मैथ का टीचर बना दिया गया। दिस इज रियली हॉरिबल, दिस इज वेरी सैड थिंग, वेरी वेरी सैड थिंग, बट दिस इज द रियलिटी। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बेसिकली बात कर रहा हूँ। आप टीचर्स के साथ कर क्या रहे हो बेसिकली स्कूल में? टीचर्स के साथ आप कर रहे हो कि चलो ठीक है, उसको जनगणना में लगा दिया, उसको मिड डे मील में लगा दिया, उसको पोलियो की खुराक में लगा दिया, उसको बहुत सारे वेरिएंट में ना आप, मैंने गवर्नमेंट बेसिकली अपना काम करवा रही है, पढ़ा मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर तो उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। वैसे तो वैसे ही टीचर्स कम है, और उसमें भी आप ना मैक्सिमम जो क्लर्क वाले जॉब हैं जो टीचर्स का, अब वो आप उनसे करवा रहे हो, स्वच्छता अभियान का सारा काम आप उनसे करवा रहे हो, माने जो भी मैक्सिमम सारा काम आप उन्हीं से करवा रहे हो। अब बात कर लेते हैं बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स की। ये तो मतलब स्कूल कम बिजनेस का अड्डा जो है, बिजनेस का जो धंधा है वो ज्यादा है, और वो मैं पूरे दावे के साथ बता रहा हूँ क्यों है। खर्चे कम करो, मतलब फी बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, खर्चे कम करते रहो खर्चे कम करते रहो। खर्चे का मतलब टीचर, खर्चा तो इनका टीचर ही है बेसिकली, तो टीचर को कम पैसे पर रखो, कम पैसे पर। आप एक बात बताओ, इतने दो दो लाख तीन तीन लाख ये फी ले रहे हैं, और उसके बाद बच्चे को जो टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10,000 15,000 20,000। आप एक बात बताओ, 15,000 20,000 में कौन सा टीचर आजकल मिल रहा है, और वो क्या पढ़ा पाएगा? और उसके बाद भी अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो भैया आप हमसे बुक हम ही से ले लो, बच्चे का जो कपड़े है वो हम ही से ले लो, बच्चे के जो जूते हैं हम ही से ले लो, एनुअल फंक्शन में आ जाओ, ये आ जाओ, ऐसे आ जाओ, और मतलब एक लूट मचाने का जो धंधा है। तो मेरा तो मानना यही है कि प्राइवेट जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये बेसिकली जो हो गए हैं ना, ये बिजनेस के अड्डे हो गए। इकलौता प्राइवेट स्कूल ऐसा जगह है जहां पेरेंट्स बच्चे को भी भेज रहा है, फी भी भर रहा है, बच्चे को अपना होमवर्क भी करा रहा है अपने से शाम में 2 घंटे, जैसे भी है जो भी है उनकी माँ या फादर जो भी है, उसके बाद भी स्कूल पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है। अरे भैया जब सब कुछ हम ही कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास भी तो बच्चा मेरा 7-8 घंटे रह रहा है ना, और मैं तो सारी फी भी भर रहा हूं, फिर आप क्या करेंगे? अब बात कर लेते हैं इसमें पेरेंट्स की। अभी आपने ये सोचा होगा कि स्कूल में तो मैंने विक्टिम बता दिया, लेकिन पेरेंट्स को मैंने अभी फिर मैं क्यों ब्लेम करने जा रहा हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं।
सो पेरेंट्स का बेसिकली क्या है ना कि ये भी भीड़ चाल में चल रहे हैं, जब इनके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बच्चे मांगे मांगे स्कूल कॉलेज में गए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा है क्योंकि स्किल वहां उनकी उस तरह से आ नहीं रही है, फिर भी अपने बच्चे को लगे हैं भीड़ चाल में, नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। और वो जो वो है ना कि मतलब एक आपने सुना होगा कि नहीं मैं नहीं करता है तो मेरा बच्चा जरूर ये काम करे, तो अपना जो जो भी है उसको जो भी कहें वो थोपने की जो आदत है ना वो बेसिकली पेरेंट्स को छोड़नी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और उसका जीता जाता है, जब पहले के जमाने में ना क्या होता था ना कि लोग, आपने देखा होगा ना, मुर्गे मुर्गियां लड़ाते थे, आज के डेट में ना लोग बच्चे लड़ा रहे हैं, राइट कि वो तिवारी जी का बच्चा ये कर लिया, वो शर्मा जी का बच्चा वो कर लिया, तो हमारा भी बच्चा करे, और वो बिना बच्चे से पूछे जाने उसको अपना बेचारे को उनकी उसकी मर्जी हो या ना हो उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स हैज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको नहीं होना चाहिए इस तरह का। और रीजन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया काफी बदल चुकी है और पेरेंट्स को बेसिकली एक्सपोजर नहीं है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, एक्सपोजर उनको नहीं है, वो उनका एक्सपोजर, वो स्मार्ट थे वो अपने जमाने में, लेकिन आज के जमाने में टेक्नोलॉजी और काफी कुछ चेंज हो गया है। सो बच्चों पर ही आप छोड़ दें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हो सकता है वो उसमें फेल भी हो जाए, लेकिन कम से कम वो अपने आप को समझेगा ना कि अच्छा ये मैंने अपनी मर्जी से किया बट बेसिकली मैं फेल हुआ। लेट्स टॉक अबाउट फाइनली अबाउट स्टूडेंट्स। अब ये तो तीन चीजें हो गई ना, गवर्नमेंट हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया और पेरेंट्स हो गया, ये तीनों चीज को ब्लेम करते हैं, अरे ये क्या करे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जॉब नहीं मिल रही है, वो अजीब तरह की स्थिति आ गई है, उत्पन्न हो गई है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, स्कूल कॉलेज वाले पढ़ाते नहीं है ठीक से, वो बिना मतलब का वो लेक्चर होता है, बिना मतलब की वो क्लासेस होती है जिसका कोई फायदा नहीं होता है, वो मजा नहीं आता है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, अरे वो पेरेंट्स ने ना, पापा ने ना जबरदस्ती मुझे वो लगा दिया, वो मुझे करना पड़ा, मेरा मूड नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। तुमको तो हर चीज में ब्लेम करना है बेसिकली, बट जब अपने मन की शादी करनी होगी तो उसमें तुम अड़ जाओगे, जब आईफोन खरीदना होगा तो उसमें अड़ जाओगे, नहीं मुझे आईफोन खरीदना ही खरीदना है, जब अपनी मनपसंद बाइक खरीदनी होगी तो उसमें जब डेफिनेटली अड़ जाओगे, उस समय पापा से लड़ाई कर लोगे, उस समय पेरेंट्स से लड़ाई कर लोगे, घर में खाना नहीं खाओगे दो तीन दिन। तो ये सब सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो दूध के धुले हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप ठीक है, ब्लेम वी अंडरस्टैंड, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारा पॉलिटिकल रीजन है कि वो आप उसके लिए आपको वेट नहीं करना है क्योंकि आप वो सुनेंगे नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। सो फाइनली यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ, राइट। सो मेरे ख्याल से ठीक है, एजुकेशन पद्धति ऐसी है, सिलेबस ऐसा है, क्योंकि ये नियम कानून है तो आपको वो डिग्री वगैरह वो सब तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आप सेल्फ लर्निंग करो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ नए नए स्किल सीखो, मन कर रहा है तो कंटेंट राइटिंग लिखो, यूट्यूब पर कुछ अच्छे कंटेंट अपने डाल दो, ग्राफिक डिजाइनिंग करो, फोटोग्राफर बन जाओ, म्यूजिक में अपना दिमाग लगाओ, खेलो, मैंने कुछ भी, कहीं से कुछ भी तो एक एक्स्ट्रा अपना करो। कि आप अगर गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को और स्कूल कॉलेजेस को ब्लेम करते रहोगे तो फिर आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 60-70 वर्ष जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सो रेस्ट यू हैव टू डिसाइड। सो इसी के साथ मैं अपना यहाँ इस वीडियो को खत्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आई कैन ग्रो ग्रेजुअली विद यू गाइस। आई ऑलवेज प्रेफर टू ब्रिंग गुड क्वालिटी टॉपिक सो दैट द सोसाइटी कैन बी बेनिफिटेड। एंड प्लीज सेंड योर कमेंट सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड क्या ये मेरे ही दिमाग की उपज है या कुछ ऐसी उपज है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।